हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं कहाँ हूँ, जंगल में हूँ या किधर हूँ मैं? आप यही सोच रहे होंगे ना। मैं बस एकदम नज़दीक आया हूँ मुंबई के। हम आज आए हैं करजत में। यस, करजत में। तो पूरी फैमिली फुल वीकेंड धमाल होने वाला है। आज सैटरडे है, शाम का टाइम है, 5:30 हो चुके हैं। तो हमने शाम को चेक इन किया है यहाँ पर, और बस मैं आपको अभी थोड़ी देर में पूरा टूर कराता हूँ पूरे विला का। ये विला कम रिजॉर्ट है यहाँ पर। वैसे तो करजत में आपको काफ़ी सारे कुछ मिलेंगे, तो ये उन्हीं में से एक है, हमने ढूंढ के निकाला है सिर्फ आप लोग के लिए। और पूरा कवरेज होगा, मैं आपको पूरा रेट्स बताऊंगा, सारे इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो ये ब्लॉग एंड तक देखते रहिए, बने रहिए इस चैनल पर। तो ये आप देख सकते हो, ये अप्रोच रोड है, ये पूरा हाईवे जाता है करजत का। और लेफ्ट पर है ये इसका एंट्रेंस है, देखिए मधुबन विला। मैं आपको पूरा इसका एड्रेस मैप के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं कैसा है। तो एंट्रेंस पर ही आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा इनका पार्किंग एरिया है। अभी देखो ये सब हमारी गाड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 वाइट वाली। और इनका ये पुराना एरिया है, मतलब ये पुराना रिजॉर्ट है। और वहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है, देखिए ये एरिया दिख रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम यहाँ पर पूरा वन डे स्टे के लिए आए हैं। और ये इनका ऑफिस है यहाँ पर, ये पूरा। और यहाँ जो सामने दिख रहा है ये इनका डाइनिंग एरिया है। तो आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी है वो यहाँ करना है। आपको चाय सिर्फ आपके जगह पर मिल जाएगी, बाकी रूम में अलाउड नहीं है। और मैं आपको रूम का एरिया दिखाता हूँ अभी पूरा। तो ये है हमारी पूरी फैमिली जो यहाँ वन डे स्टे के लिए आई है। ये यहाँ पर फाउंटेन भी है इनका, जो अभी चालू नहीं है, शायद कल शाम सुबह चालू होगा। तो ये भी देखेंगे, और रात को कैसा नज़ारा होगा पूरा, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वी आर 18 पीपल हु हैव कम हियर। मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके रेट्स क्या है, क्या पैकेज है पूरा, तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, ये पूरी आपको कॉरिडोर मिलता है। यहाँ फैन भी है ऊपर, और आराम से आप बैठ के पूरी फैमिली यहाँ एंजॉय कर सकते हो। ये ऐसा यहाँ से इसका व्यू है पूरा। तो अच्छा मेंटेन्ड है, आप देख सकते हो पूरी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है ये पूरा। अभी रूम टूर करते हैं एक बार फटाफट। इसी रूम से इसके ये देखिए एंटर करने से ही ऐसा बड़ा आपको एक पूरा हॉल मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है। नीचे भी आप मैट्रेसेस डाल के, मैट्रेसेस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बेड काफ़ी बड़ा है, किंग साइज है। ये देखो ये साइड भी आपको पूरा एक बेड मिल जाता है, एक जन आराम से सो सकता है। एंड एसी रूम है, ये देखिए मस्त एसी भी अच्छे हैं, नए हैं पैनासोनिक के, वेरी नाइस क्लीन नीट रूम। ये देखिए पूरा मैट्रेसेस है, नाइस स्टोरेज एरिया दिया है। और आपको मैं फटाफट बाथरूम भी बता देता हूँ, बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये देखें गीजर है, 24 आवर्स रनिंग वाटर है, बेसिन है, नाइस एंड प्रिटी क्लीन। मतलब दिक्कत वही होती है, हम काफ़ी बार कहीं भी जाते हैं, बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, तो प्रॉब्लम यही होती है कि फिर कभी रूम्स अच्छे नहीं होते, और रूम से ज़्यादा गंदे तो बाथरूम्स होते हैं। तो थोड़ा हेसिटेशन था, बट मेरे एक वेरी क्लोज फ्रेंड ने मुझे रेफरेंस दिया इसका, उसको मैं ज़रूर शाउट आउट देना चाहूँगा, संजीव ठाकुर। संजीव अगर तू ये ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। तो ये हाँ ये ऐसा कुछ है, और सिमिलरली ऐसे और दो रूम्स हमने लिए, मतलब 3 रूम्स टोटल लिए हैं, और एक बड़ा वाला रूम है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो अभी हम यहाँ थे, आप देख सकते हो यहाँ थे, अभी ये कॉरिडोर में आ गए हैं, और इधर का भी मैं टूर बताता हूँ रूम का। ये रूम थोड़े बड़े हैं देन कम्पेयर टू दी वन दैट आई शोड यू, तो इसका भी एक बार टूर करते हैं। ये देखिए ये बड़ा रूम है, आपके अगर बड़ी फैमिली है तो ये देखिए 2 डबल बेड्स हैं, ठीक है।
एसी वाला है ये भी, और यहाँ पर सिंगल बेड है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, समझो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, वैसा ये आपको इनके ओनर ये जो हैं नितिन सर, ये आपको पूरा आपको दे सकते हैं। हेलो। और इसका एक बार बाथरूम मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, नीट एंड क्लीन। ये गीजर भी है, तो या वेरी नाइस। तो अभी हमारी धमाल होगी, फुल मस्ती होगी इधर एक दिन। हम कल शाम को चेकआउट करेंगे, तो क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हम करेंगे, वो आप देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। तो ये है इनका स्विमिंग पूल, ये कुछ ऐसा दिखता है। 2 स्विमिंग पूल है इनके, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके इनका एक पुराना रिजॉर्ट है और एक नया वाला है। तो ये पुराने रिजॉर्ट पे ऐसा स्विमिंग पूल है, जो नया रिजॉर्ट है वो ऊपर है और ऊपर भी अलग से स्विमिंग पूल है जो थोड़ा छोटा है। इनकी पूरी प्रॉपर्टी 4 एकड़ की है, तो हमने थोड़ा ये मुआयना किया इसका। यहाँ पीछे आप देख सकते हो रेन डांस भी है, जो रिंग दिख रहा है आपको, और यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी। थोड़े स्नैक्स हम लेके साथ में कैरी किए हैं, इन्होंने सिर्फ हमें चाय दी, तो बिस्किट और स्नैक्स हमने अरेंज किया अपना खुद का। तो अभी फटाफट पूल में उतरते हैं, थोड़ी गर्मी है तो ठंडे हो जाते हैं। ये है इसकी, ये नई प्रॉपर्टी है, ये अभी यही साल इसका इनॉग्रेशन हुआ है, और आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे रूम्स है। दिस कैन ऑक्यूपाई मल्टीपल पीपल, लाइक आपको अगर 6 पीपल है, 8 पीपल है या 10 पीपल है, तो वो हिसाब से ये रूम्स आपको मिल जाएंगे। एंड देखो रात का नज़ारा कुछ ऐसा है, और यहाँ पर भी स्विमिंग पूल है इनका। ये पूरा इसका स्विमिंग पूल का एरिया है, जहाँ पर आप मस्त रिलैक्स कर सकते हो। तो इनके प्रॉपर्टी पे यहाँ 110 पीपल कैन अकोमोडेट इन टोटल, इंक्लूडिंग द ओल्ड रिजॉर्ट एंड द न्यू रिजॉर्ट। स्टेप 1, वेक अप एंड गोइंग राइज़ विद द सन। स्टेप 2, गेट सम गुड सम फूड इन यू। स्टेप 3, थिंक ग्रो हार्ड अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। स्टेप 4, एवरीबॉडी जस्ट डू योर थिंग। वेक अप, टुडेस गोना बी। तो अभी वक्त हुआ है रात के 8:30, और अभी हम बढ़ रहे हैं डिनर के लिए। तो आइए देखते हैं डिनर क्या है। तो लंच और डिनर में इनका फिक्स्ड मेन्यू होता है, आपको दाल चावल तो मिलेगा ही, साथ में ये देखिए सूखा चिकन मिलता है, भाकरी मिलती है या चपाती मिलती है, भाकरी काफी सॉफ्ट है, कांदा, नींबू, अचार, मीठा। मीठा हमको मिला नहीं, लंच में देंगे। और ये यहाँ पर तांबड़ा रस्सा भी मिलता है चिकन का, और वेज में भी काफी ऑप्शंस है, आपको आलू जीरा या पनीर की भाजी मिल जाएगी। एंड यू हैव टू टेल ऑल दिस बिफोर हैंड। फिर एकदम बढ़िया से खाने के बाद, डिनर के बाद हमने थोड़ी महफिल जमाई, हमने यहाँ कैरियोके सिंगिंग भी की। मेरे जो कजिन भाई हैं उन्होंने यहाँ पूरा मस्त माहौल बना दिया था गाने का, और काफी मजा आया। तो रात के 11:30 बजे के करीब हमने बारबेक्यू का प्लान किया। बारबेक्यू के लिए इनको चिकन लाके देनी पड़ती है, बाकी पूरा इक्विपमेंट, कोयला, पूरा सब कुछ ये दे देते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल हो गया था, अच्छे गजेबों के नीचे, तो बहुत मज़ा आया, पूरा पैसा वसूल हो गया विथ फैमिली, और क्या चाहिए आपको। के बज चुके हैं 9:30, और अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। रात को काफ़ी मज़ा आया, हमने बारबेक्यू किया, फुल धमाल की, रात को 2 बजे सोए हम, काफ़ी मज़ा आया। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, है ना।
काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था और हमने भुर्जी पाव और पोहा भी दे दिया था और मिसल पाव, ये सब था। तीनों में से कोई भी एक ही आइटम है फ्रेंड्स, पर थोड़ा मिसकम्युनिकेशन के वजह से उनको लगा कि हम अंडा भुर्जी और पोहा खा रहे, पर हमने एक्चुअली मांगी थी मिसल पाव, तो उन्होंने फिर भी अरेंज कर दिया हमारे लिए एट द लास्ट मोमेंट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो या टेस्ट वॉज ऑल्सो ओवरऑल गुड। हमने कॉफ़ी मंगाई, किसी किसी ने चाय मंगाई। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30। अभी प्लान हो रहा है कि क्या करना है नेक्स्ट, तो या तो पूल में जाएंगे, रेन डांस करेंगे, या तो फिर क्रिकेट थोड़ा खेलेंगे और फिर पूल जाएंगे। तो ये व्लॉग देखते रहिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। तो हम आए हैं ये पूल में, ऊपर वाले नया जो इनका बना है, तो ये पूरा ऐसा है। एक्चुअली नीचे थोड़ा गंदा हो गया पूल जहाँ हम शाम को थे कल, वहाँ कीड़े भी आते हैं यहाँ पर रात के टाइम, बारिश का मौसम है इसीलिए, और साफ़ सफाई नहीं की हुई है। तो मैंने ओनर को बोला एंड ओनर ने थोड़ा उस पर अर्जेंसी करके साफ़ सफाई शुरू की है, पर यह साफ़ है इसलिए हम यहाँ आए। पूल में धमाल करने के बाद हमने सोचा थोड़ा रेन डांस कर लेते हैं, फिर हम लंच के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने फुल म्यूजिक ब्लास्ट करके फुल ऑन एंजॉय किया विद फैमिली, एंड दिस वाज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हम एक साथ, यू नो पैंडेमिक भी था, काफी टफ समय था। तो दोपहर का टाइम है और हमारे सामने आ चुकी है चपाती। हमने चपाती ऑप्ट की इंस्टेड ऑफ बकरी दैट वी हैड यस्टरडे, और ये चिकन सुक्का है जैसा कल था, और कांदा है, पनीर भुर्जी है, मिक्स्ड वेज है, दाल है, चावल है, और इस बार मीठा भी है। और मौसम एकदम बढ़िया हो चुका है, देखो पूरा आप देख सकते हो बारिश हो रही है, तो फुल मज़ा आ रहा है, सुहाना मौसम हो गया। ये आ चुकी है दाल, तो खा लेते हैं और आपसे मिलता हूँ। तो इस बढ़िया से नज़ारे के साथ ये व्लॉग एंड करता हूँ। बताता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमने काफ़ी मज़ा की यहाँ पर, पूरा फैमिली, अगर आप आते हो, फ्रेंड्स आते हो, अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आपका पैसा वसूल यहाँ पर होने वाला है। इसका मैंने पर पर्सन कॉस्ट दिया हूँ 1800 रुपीज़, विथ मील, विथ स्विमिंग पूल, विथ रेन डांस, सब कुछ, और बारबेक्यू के चार्जेस अलग हैं इनके। मैं ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, आप उनको कांटेक्ट करके सब कुछ पूछ सकते हो। इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी हम्बल, और उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा। कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि सर्विस थोड़ी स्लो है, आपको सर्विस ऐसा 5 स्टार या 3 स्टार एक्सपेक्ट मत कीजिए, सर्विस इज़ ए लिटिल स्लो, बट आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपको कुछ अगर चाहिए एक्स्ट्रा तो एडजस्ट करते हैं, जैसे हमें ब्लैक कॉफ़ी चाहिए थी तो वो सब करके मिली हमें, तो इन दैट रिगार्ड्स दे आर वेरी गुड। और वाईफाई यहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्विमिंग पूल क्लीन नहीं था, तो उसने फटाफट क्लीन कर दिया हमारे कंप्लेंट करने के बाद, सो दैट्स नॉट एन इशू। बस बाकी और कुछ नहीं, खाना बढ़िया है, नाश्ता बढ़िया था, और हमें काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर। बस आप इसी बातों का ध्यान रखिए, तो अगर आप चैनल के थ्रू आते हो हमारे तो आपको ज़रूर वो डिस्काउंट देंगे। तो इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हम और भी रिजॉर्ट्स कवर करेंगे आगे चल के, आपका सपोर्ट, आपके प्यार की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर।